हेलो फ्रेंड्स, हम एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने संभाग के बारे में देख लिया था, एमपी में कितने संभाग हैं और उसमें कौन कौन से जिले हैं और कितने जिले हैं। आज हमें देखना है आखिर एमपी से कितने और स्टेट टच करते हैं और एमपी के कौन कौन से जिले किस स्टेट को टच करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एमपी का एक रफ मैप बना लेते हैं। ये बुरहानपुर है, ये बैतूल है, यहाँ बालाघाट है, ये शहडोल रहेगा। ये एमपी का रफ मैप है फ्रेंड। आपको पता होगा एमपी से 5 स्टेट टच करते हैं, इधर यूपी, इधर राजस्थान, इधर गुजरात, नीचे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तो यहाँ अलग हुआ ही था जो सिंगरौली तक है। देखो फ्रेंड, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, जब मैंने एक बार पढ़ा था किसी क्लास में, शायद 10th में, तो बड़ी इजीली मुझे याद हो गया था। राजस्थान से 10 जिले टच करते हैं, गुजरात से 2 जिले टच करते हैं, 10 और 2 12, तो यूपी से 12 जिले टच करते हैं। ओके, महाराष्ट्र से 9 जिले टच करते हैं, यहाँ से इसको उल्टा करके लिख देंगे तो छत्तीसगढ़ से 6 जिले टच करते हैं। जब मैंने एक बार पढ़ा था तो ऐसे याद हो गया था, लेकिन 2018 में आपको पता होगा यहाँ पे ये निवाड़ी अलग हो गया है टीकमगढ़ से, तो यूपी में अब 13 जिले टच करते हैं, एमपी के 13 जिले यूपी को टच करते हैं। राजस्थान एज इट इज है, गुजरात एज इट इज 2 जिले, महाराष्ट्र 9 जिले, छत्तीसगढ़ में 6 जिले टच करते हैं, ये मैंने पढ़ा था। लेकिन बाद में पता लगा यहाँ पे जो मंडला है, मंडला वो भी छत्तीसगढ़ को टच करता है। कुछ मैप में आपको मंडला छत्तीसगढ़ से टच करता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन हमने ऑफिशियल वेबसाइट में देखा, एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट में, उसमें मंडला को छत्तीसगढ़ से टच करता हुआ दिखाया गया, इसलिए छत्तीसगढ़ से 7 जिले टच करते हैं। यूपी से कौन से जिले टच करते हैं, मैंने आपको बताया था ये एक गड्ढा है और ये एक गड्ढा है, तो ये गड्ढा है तो गहरा सागर यहाँ बना देते हैं। सागर संभाग में यहाँ पे TCP था, यानी कि टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना, टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हो गया तो निवाड़ी। दमोह इस साइड है, दमोह टच नहीं करता, आप यूपी का बॉर्डर देखेंगे तो दमोह टच नहीं करता। तो इस सागर संभाग में 1 2 3 4 5 जिले तो ये हो गए जो यूपी से टच कर रहे हैं। यहाँ पे रीवा संभाग है जिसमें सतना, रीवा, सीधी, सिगरौली, ये आपको लगेगा ये चारों जिले टच कर रहे हैं यूपी को, लेकिन सीधी थोड़ा सा टच नहीं करता है, पीछे की साइड है, ये यूपी के बॉर्डर से थोड़ा सा पीछे है, इसलिए सिर्फ इसके 3 जिले टच करते हैं, सतना, रीवा और सिंगरौली, 3 जिले ये हो गए। हमें टोटल 8 जिले टच कराने हैं, 5 और 13 जिले टच कराने हैं यूपी को, जिसमें से 8 तो हो गए। आपको पता होगा यहाँ पे मुरैना है जो इधर इधर दोनों तरफ टच करता है, राजस्थान और यूपी दोनों को, तो एक मुरैना हो गया। इधर भिंड, यहाँ पे दतिया और एक स्यूपरी, आपको याद हो जाएगा ये गर्दन है स्यूपरी, इसकी खास बात ये है इधर ये राजस्थान को टच करती है और इधर यूपी को, और यहाँ एक है अशोकनगर, ये 13 जिले यूपी को टच करते हैं। आप मैप से पढ़ेंगे तो बड़ी इजीली याद हो जाएगा, 5 ये, 3 ये और ये वाले 4 5 जिले। अब राजस्थान से 10 जिले टच कराते हैं, मुरैना जो राजस्थान से टच कर रहा है, और मुरैना से अलग हुआ है श्योपुर, जो कब अलग हुआ था, बस कड़ी यानी कि 25 मई 1998 को, बड़वानी श्योपुर कटनी डिंडोरी, जब श्योपुर अलग हुआ था मुरैना से, तो एक मुरैना हो गया, दूसरा श्योपुर हो गया, फिर इस साइड स्यूपरी है वो आपको पता ही है, तीसरा स्यूपरी, चौथा गुना, पांचवा राजगढ़। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, हमने जब भोपाल संभाग के बारे में पढ़ा था तो भोपाल में हमें पता लगा भोपाल एक जिला है, एक इधर आर, इधर एक आर, इधर विदिशा, इधर सीहोर, तो इसमें से ये वाला जो जिला था इस साइड ऊपर वाला वो राजगढ़ था, तो आप ऐसे याद कर सकते हो राजगढ़ राजस्थान से टच करता है, तो भोपाल का एक हो गया राजगढ़। और एक है आगर मालवा, आगर मालवा की खास बात ये है कि ये शाहजहापुर से अलग हुआ है, करेक्ट, पहले ये शाहजहापुर के अंडर आता था, तो दो चीजें ये अपने में समाता था, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर शाहजहापुर से जाती थी, और एक शाहजहापुर राजस्थान से टच करता था, लेकिन इसके टूटने के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आगर मालवा से जाती है और आगर मालवा ही राजस्थान को टच करता है, अब शाहजहापुर का कोई रोल नहीं है। इसके बाद नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये तीनों राजस्थान को टच करते हैं, और यहां है झाबुआ, झाबुआ राजस्थान और गुजरात दोनों को टच करता है, तो ये काउंट करेंगे 10 जिले हो जाएंगे। गुजरात से सिर्फ 2 जिले हैं, एक झाबुआ और एक अलीराजपुर, झाबुआ राजस्थान और गुजरात दोनों से टच करता है, अलीराजपुर गुजरात और नीचे जो आएगा यानी कि महाराष्ट्र दोनों से टच करेगा। यहाँ हम एक चीज याद कर सकते हैं, गुजरात के ही 2 जिले एमपी को टच करते हैं, उनके नाम है दोहद और छोटा उदयपुर, हालांकि ये एग्जाम में पूछते नहीं है, फिर भी सिर्फ 2 ही जिले टच कर रहे थे इसलिए हमने नाम देख लिए। महाराष्ट्र से 9 जिले टच करते हैं, 4 तो बड़ी इजिली याद हो जाएंगे, चारों निमाड़ वाले यानी कि खंडवा,
खरगोन, खंडवा से अलग हुआ बुरहानपुर और खरगोन से अलग हुआ बड़वानी, ये चार तो हो गए, अब बचे हैं पांच। इधर अलीराजपुर है, हम देख चुके हैं अलीराजपुर यहाँ दोनों को टच कर रहा है, महाराष्ट्र को भी और गुजरात को भी, तो ये अलीराजपुर हो गए पांच। और यहाँ पे हमने बुरहानपुर देखा और इधर जैसे बुरहानपुर बी था, इधर भी बी है यानी कि बैतूल, ये थोड़ा सा टुकड़ा बाहर आया बैतूल। और यहाँ छिंदवाड़ा, शिवनी और बालाघाट, ये तीन हो गए। इस तरह से ये नौ जिले महाराष्ट्र को टच करते हैं, इजिली याद हो जाते। अब छत्तीसगढ़ से सात जिले हैं। एक तो सबसे पहले मंडला याद करो, क्योंकि मंडला में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन थी, कुछ आधे मैप में मंडला को टच करते हुए नहीं दिखाते हैं, लेकिन हमें करेक्ट याद करना है, सात जिले टच करते हैं और मंडला भी एक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सीधी सिगरौली है, ये दोनों छत्तीसगढ़ को टच कर रहे हैं। ये इस गड्ढे के पीछे शहडोल था, टच करता था शहडोल, शहडोल ने उमरिया को छपा लिया था, जिसने छत्तीसगढ़ को टच नहीं करने दिया था उमरिया को, ये हमने सेकंड वीडियो में देख लिया था। तो उमरिया तो नहीं होगा, शहडोल हो गया। यहाँ पे शहडोल के नीचे जो दूसरा पर्यायवाची था अनूपपुर, ये टच करेगा। बालाघाट टच करेगा, क्योंकि बालाघाट यहाँ दोनों को टच कर रहा है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। और यहाँ टच करेगा डिंडोरी। इस तरह से सात जिले टच करते हैं, सीधी सिगरौली दो, शहडोल तीन, चौथा अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट और मंडला। अब नोट डाल के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो पेपर में पूछते हैं। क्वेश्चन ये आता है, एमपी के कितने ऐसे जिले हैं जो किसी स्टेट को टच नहीं करते? तो हम निकाल सकते हैं भाई, टोटल 52 जिले हैं, उनमें से यूपी को टच करने वाले यानी 13, राजस्थान को टच करने वाले यानी 2, गुजरात को टच करने वाले यानी 2 एंड छत्तीसगढ़ को टच करने वाले 7, महाराष्ट्र को टच करने वाले 9। ये जिले हैं जो टच करते हैं और टोटल में से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए, जो ऐसे जिले जो किसी और स्टेट को टच नहीं करते। हम निकाल के देखते हैं, तो ये 41 आएगा और यहाँ पे 52 है, तो हम ऐसा रिजल्ट निकाल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 11 जिले हैं जो किसी और को टच नहीं करते। लेकिन हमने एक गलती कर दी कि जो पांच जिले ऐसे थे यहाँ पे, यहाँ वाला एक मुरैना, यहाँ गुजरात झाबुआ जो गुजरात और राजस्थान से टच कर रहा था, अलीराजपुर 3, यहाँ पर बालाघाट 4 और सिंगरौली, पांच जिले ऐसे हैं जो हमने दो बार काउंट कर लिए, क्योंकि दो जिलों को टच कर रहे हैं, तो हम पांच और जोड़ देते हैं, तब भी ये 16 जिले हैं। लेकिन हमें पता है आंसर हमें पता है, 17 जिले टच नहीं करते। तो एक हम शिवपुरी भूल गए, क्योंकि शिवपुरी भी मैंने बोला था कंफ्यूजिंग है, दोनों को टच करता है, इसलिए टोटल 17 जिले ऐसे हैं जो किसी अदर स्टेट को टच नहीं करते। एक पॉइंट और याद रख सकते हैं यहां पर 17 जिले से, कि 16 जिले ऐसे हैं जिससे नर्मदा पास होती है, नर्मदा नदी 16 जिलों से पास होती है। एक क्वेश्चन और याद कर सकते हैं, थर्ड वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने जिलों से पास होता है? तो आप इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा लिख लें और यहाँ पे आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि 14 जिलों से पास होती है। ये कौन से 14 जिले हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखेंगे सारे फैक्ट्स एमपी के, जिसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, पॉइंट, एरिया, पॉपुलेशन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया में कहाँ, वर्ल्ड में कहाँ, एमपी में कहाँ से पास होती है और टाइमलाइन कहाँ से पास होती है, ये सारे फैक्ट वाइज वीडियो है। एक ही वीडियो में ये सारा कुछ कंप्लीट